महाभारत के समय की बात। ये अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते ना, इसलिए हम सब चूहों की तरह प्राण बचाते भटक रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउड स्टूडियोज। दोस्तों, कहा जा रहा है आजकल के टाइम में कि बॉलीवुड का एक दौर था कि वो फिल्में बनाता था, लेकिन आज के समय में दौर किसका चल रहा है, वो है साउथ सिनेमा का। कोरोना का आगमन, फिर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड और हिंदी फिल्में अब गुजरे दौर की बातें हो गई हैं। साउथ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर बॉलीवुड का हाल बखूबी समझते हैं। वो इस बात को बहुत ही बखूबी से जानते हैं कि बॉलीवुड में या तो किसी फिल्म का सीक्वल बन रहा है या फिर लोग साउथ की फिल्मों का रिमेक कर रहे हैं। मतलब उन्हें दिख रहा है कि बॉलीवुड में अब अच्छी कहानियां बची ही नहीं। और डायरेक्टर मणिरत्नम को इस आपदा में अवसर दिखा, जिसके नतीजे के रूप में पोन्नियिन सेल्वन हम सभी के सामने है। डायरेक्टर मणिरत्नम की पोन्नियिन सेल्वन 2022 की मोस्ट पॉपुलर मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। दो फिल्म फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट 30 सितंबर को सिनेमाघरों में भव्य रिलीज के लिए तैयार है। पोन्नियिन सेल्वन में हमें बड़े बड़े साउथ के सुपरस्टार्स नजर आएंगे, यहां तक कि बॉलीवुड के भी नजर आएंगे। और देखा जाए तो हमारी बॉलीवुड की डीवा क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन भी फिल्म में एक अहम किरदार प्ले करती नजर आएंगी। और सबसे बड़ी बात की आजकल बॉलीवुड बायकॉट के चक्रव्यूह में फंसा है, तो यहाँ मेकर्स को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो पोन्नियिन सेल्वन के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोनों बिक चुके हैं और बहुत भारी भरकम में भेजे गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में पोन्नियिन सेल्वन का ट्रेलर रिलीज हुआ और ऑडियो लॉन्च हुआ। साथ ही साथ देखा जाए तो तमिलनाडु में हाथों हाथ ली जाए इस फिल्म को, इसीलिए कमल हसन का और रजनीकांत का सहारा लिया जा रहा है। दोस्तों, इस फिल्म की एक्साइटमेंट बहुत है फैंस के बीच, और ट्रेलर आने के बाद तो वो एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। अब इंतजार है थिएटर रिलीज होने का। रिपोर्ट्स के मुताबिक पोन्नियिन सेल्वन के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स 125 करोड़ रुपए में बिके हैं। ऐसे ही फिल्म के सैटेलाइट राइट्स साउथ के लोकप्रिय सन टीवी को भी सौंपे गए। इस बात में कोई शक नहीं है कि बड़े बजट में बने इस फिल्म के लिए डील बहुत अच्छी है, लेकिन ये सिर्फ कमाई तक सीमित नहीं है। जैसा कि हम बता चुके हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हो या फिर साउथ के, तमाम प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस बात से भी वाकिफ है कि दर्शकों का मौजूदा स्वभाव क्या है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस बात को भी जानते हैं कि क्या पता दर्शकों का दिमाग कब घूम जाए और वो किस चीज को मुद्दा बना दे और फिल्म विवाद में आ जाए। मणिरत्नम ने समझदारी का काम किया। खुद सोचिए, जिस फिल्म के डिजिटल राइट्स 125 करोड़ में बिके हैं, क्या वो थिएटर में अपनी रिलीज पर 200 करोड़ या 300 करोड़ का बिजनेस नहीं करेगी। जैसा वक्त है, कोई भी फिल्म चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना हो, अगर अपनी लागत भर का पैसा निकाल ले तो उसे सिनेमा में हिट कहा जाता है, हिट फिल्म करार दे दिया जाता है। चूंकि पोन्नियिन सेल्वन को लेकर पहले ही बहुत बज़्ज़ सोशल मीडिया पर बन चुका है, और इसीलिए माना जा रहा है कि फिल्म अपनी रिलीज के बाद इतिहास रचेगी, और साथ ही इस फिल्म में ऐसा बहुत कुछ होगा जो इस फिल्म के क्षेत्र में मील का पत्थर बनाएगा। गौरतलब है कि जिस टॉपिक को लेकर मणिरत्नम ने पोन्नियिन सेल्वन का निर्माण किया है, वो जनता को भारत के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराएगा। कहा यह भी जा रहा है कि इतिहास इसलिए भी बना रही है ये फिल्म, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं जो ऑलरेडी एक बड़े लेवल पर हैं। उनकी फिल्में सिर्फ नाम से बिकती हैं, जैसे कि चियान विक्रम, ऐश्वर्या राय बच्चन, त्रिशा, जयम रवि और कार्तिक। इनके अलावा देखा जाए तो शोभिता दुलपालिया, ऐश्वर्या लक्ष्मी प्रभु, जयराम और लाल सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे। फिल्म की यूएसपी उसकी स्टोरी और स्टार कास्ट के अलावा उसका म्यूजिक भी है, जो कि एआर रहमान का है। दोस्तों, मणिरत्नम भले ही ये जानते हो कि उनकी ये फिल्म एक सुपर डुपर हिट है, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी इतिहास रच सकती है, लेकिन किसी का भी वक्त बदल सकता है, और इसीलिए हमें आने वाली विपदा के लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। वेल, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम यहीं पर विराम लेते हैं। आपको क्या कहना है इसके बारे में, कि आपको भी यही लगता है कि बॉयकॉट के चक्कर में साउथ आजकल अकलमंदी दिखाकर ऐसी धमाकेदार फिल्में रिलीज कर रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीवुड स्टूडियोज़।